अभी के इस वीडियो पर हम लोग प्रमुख क्रांति को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। यदि आप कॉम्पिटेटिव का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा प्रमुख क्रांतियां हैं, जिसमें से पहला नंबर हमारा क्या है, हरित क्रांति। ठीक है, तो देखिये हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति हमारा किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति हमारा खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आप लोग कॉपी में अपना लिखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। चलिए हम लोग देख रहे थे यहाँ पर एक नंबर हमारा क्या, हरित क्रांति हमारे किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला देखिए, यहाँ पर दो नंबर में हमने लिखा है श्वेत क्रांति। देखिए श्वेत क्रांति जो है वे हमारे दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति हमारे किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए तीन नंबर हमारा क्या, केसरिया क्रांति। केसरिया क्रांति जो है वे हमारा ऊर्जा सुरक्षा केसरिया क्रांति हमारे किससे संबंधित है, ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित है। चार नंबर में हमने लिखा है पीली क्रांति। देखिए पीली क्रांति जो है वे हमारा तेलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो दलहन और तेलहन उत्पादन से संबंधित है। चलिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद हमारे क्या, नीली क्रांति। देखिए नीली क्रांति जो है वह हमारा मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, अगला यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि लाल क्रांति। देखिए लाल क्रांति जो है ना वे हमारा टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला यहाँ पर देखिए, सात नंबर में हमने लिखा है भूरी क्रांति। देखिए भूरी क्रांति जो है वे हमारा उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। चलिए साथ ही साथ याद करते जाइए और आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए भूरी क्रांति हमारा किससे संबंधित है, तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, भूरी क्रांति उत्पादन। अगला यहाँ पर देखिए गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति जो है वे हमारा झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भूरी हमारा यहाँ पर गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। चलिए नौ नंबर में हमने लिखा है स्वर्ण क्रांति। देखिये स्वर्ण क्रांति जो है वे हमारा फल उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो फल उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये वाला हमारा अगला है कि रजत क्रांति। देखिए रजत क्रांति जो है वह हमारा अंडा मुर्गी उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडा और मुर्गी उत्पादन से संबंधित है। अगला यहाँ पर देखिए स्वर्ण फाइबर क्रांति। देखिए स्वर्ण फाइबर क्रांति जो है वे हमारा जूट उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो जूट उत्पादन से संबंधित है। अगला यहाँ पर देखिए चांदी फाइबर क्रांति। देखिए चांदी फाइबर क्रांति जो है वे हमारा कपास उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, स्वर्ण फाइबर क्रांति तो वे हमारा जूट उत्पादन, और चांदी फाइबर क्रांति तो ये हमारा कपास उत्पादन, याद कीजिएगा। अगला यहाँ पर देखिए काली क्रांति। काली क्रांति जो है वे हमारा पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अगला यहाँ पर देखिए इंद्रधनुषी क्रांति। देखिए इंद्रधनुषी क्रांति जो है वह हमारा कृषि का समस्त विकास कौन सा क्रांति, तो इंद्रधनुषी क्रांति कृषि का समस्त विकास। अगला यहाँ पर देखिए बादामी क्रांति। देखिए बादामी क्रांति जो है वह हमारा मसाला उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है, तो मसाला उत्पादन से संबंधित है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए अगला यहाँ पर देखिए हमारा लिखा है गोल क्रांति। देखिए गोल क्रांति जो है वह हमारा आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर मीठी क्रांति। देखिए मीठी क्रांति जो है वह हमारा शहद उत्पादन से संबंधित है। मीठी क्रांति शहद उत्पादन। अगला यहाँ पर देखिए सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति जो है वह हमारा प्रोटीन युक्त अनाज उत्पादन एवं उपभोग में वृद्धि हेतु, ठीक है। तो सदाबहार क्रांति हमारे किससे संबंधित है, प्रोटीन युक्त अनाज उत्पादन के लिए और एवं, ठीक है, और उपभोग में वृद्धि हेतु। तो ये हमारा हो गया जो कि प्रमुख क्रांति आपको मैंने इस वीडियो पर बताए। चलिए एक बार हम लोग क्विक यहां पर देखते हैं कि यहां पर कैसे, चलिए हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या था, एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी। देखिए प्रमुख क्रांति, तो सबसे पहले एक नंबर हमारे क्या है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। दो नंबर क्या है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। तीन नंबर क्या, केसरिया क्रांति ऊर्जा सुरक्षा। चार नंबर पीली क्रांति दलहन तेलहन उत्पादन। उसके बाद हमारा क्या है, नीली क्रांति मछली उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन। सात नंबर हमने लिखा था भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन। उसके बाद गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। उसके बाद स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन।
रजत क्रांति, अंडा मुर्गी उत्पादन, स्वर्ण फाइबर क्रांति, जूट उत्पादन, चांदी फाइबर क्रांति, कपास उत्पादन, काली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन, इंद्रधनुषी क्रांति, कृषि का समस्त विकास, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, गोल क्रांति, आलू उत्पादन, मीठी क्रांति, शहद उत्पादन, उसके बाद हमारे क्या था, सदाबहार क्रांति। तो ये हमारा प्रोटीन युक्त अनाज उत्पादन एवं उपभोग में वृद्धि हेतु, तो ये था प्रमुख क्रांति। चलिए तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।